इसलिए लोग कहते हैं कि शेखावाटी में बच्चा पैदा होता है जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है। वतन पर मर मिटना अपना अभिमान समझता है। अगर एक जिले में जहां सबसे ज्यादा शहादत दी है तो वो झुंझुनू जिला है। झुंझुनू जिले को सैनिकों का जिला कहा जाता है। गोली नहीं चलनी है, वेपन का इस्तेमाल नहीं करना है। सैनिकों का जज्बा देखो, उन्होंने कहा गोली नहीं चलेगी, पर चीनियों को कहा हमारी सीमा में प्रवेश मत कर देना। अभी हम सब लोग मूर्ति का अनावरण कर रहे थे, हमारे साथ अमर शहीद की माताजी विद्या देवी थी, सहधर्मिणी पूनम जी थी और पिता परमेश्वर जी थे और साथ में एक कोमल सी बालिका थी। प्रेम सिंह जी ने कहा शहीद की माता को शहीद के इस मूर्ति पर पहला माल्यार्पण आप करो। आंखें नम हुई और उसी समय सतीश जी ने कहा ये दिन दुख व्यक्त करने का नहीं, अभिमान व्यक्त करने का है। और मुझे आश्चर्य हुआ वो माता श्री वीरंगना के रूप में आज मंच पर बैठी है। उस नन्ही सी बालिका ने दादी को कहा दादी चिंता मत करो, और वो माता श्री तन कर खड़ी हो गई। ऐसे परिवार को नमन करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। वतन पर मिटना, वतन पर जान देना, स्वाभिमान के लिए संघर्ष करना, इस शेखावाटी की अदा रही है। इसलिए लोग कहते हैं कि शेखावाटी में बच्चा पैदा होता है जिगर में बारूद लेकर पैदा होता है। वतन पर मर मिटना अपना अभिमान समझता है। अभी जिस बात का जिक्र सतीश जी ने किया, कारगिल के युद्ध का जिक्र किया, कारगिल का युद्ध, या सैन्य अधिकारी बैठे हैं कहते हैं दुनिया के सैन्य इतिहास में सबसे कठिन युद्ध के रूप में लिखा गया है। दुश्मन चोटी पर था, चौकी पर दुश्मन को परास्त करना था। नीचे से सैनिक जाते थे, सीने पर गोली झेलते थे। पर हमें गर्व होता है जब उस इतिहास में भी लिखा जाता है, इस पूरे भारतवर्ष में अगर एक जिले में जहां सबसे ज्यादा शहादत दी है तो वो झुंझुनू जिला है। झुंझुनू जिले को सैनिकों का जिला कहा जाता है। और आज भी जब सैनिक भर्ती की बात होती है, मेरा एक बार सेना भर्ती में एक कर्नल साहब से साक्षात्कार हुआ। मैंने पूछ लिया कि सेना की भर्ती में शारीरिक रूप से माप तोड़ और दौड़ भाग के बाद में आप साक्षात्कार लेते हो, परीक्षा के बाद में काहे को लेते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं उस धरती को देखते हैं जिस धरती से निकलकर वो सैनिक आज सेना में भर्ती होने आ रहा है। मैंने कहा प्राथमिकता क्या रहती है? प्राथमिकता रहती है वो धरा जिस धरा के सपूतों ने पहले कुर्बानी दी है। और हमें गर्व है कि शेखावाटी के लोगों को आज भी सेना के अंदर नए इतिहास रचने के लिए लोग देखते हैं। आपने ये सब जीते हैं। मैं प्रेम सिंह जी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। हमने कभी देवी देवताओं को नहीं देखा, हमने बाबू जी को नहीं देखा, हमने रामदेव जी को नहीं देखा, हमने तेजा जी को नहीं देखा, पर उनके इतिहास से जब रूबरू होते हैं तो इतिहास उनका ये सामने आता है कि इन्होंने धरती की लड़ाई लड़ी, इन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी, इन्होंने गौ माता की लड़ाई लड़ी, इन्होंने संस्कृति की लड़ाई लड़ी। अजय कुमावत साय चीन का वो ग्लेशियर, -80 डिग्री तापमान, आप पर हम अगर सांस ले तो सांस लेना दुर्बल हो जाए। वो नौजवान जहां अपने लहू को फिगेरता है,
माँ भारती के झंडे को मजबूती से हाथ में थामता है, धरती की लड़ाई लड़ता है, निश्चित तौर पर वो देवता से कम नहीं। आप याद करें, राजस्थान को लोग कहते हैं राजपूताना था। कितने राजा रहे, कितने महाराणा रहे, राणा प्रताप को क्यों याद करता है इतिहास, अगर वो भी अन्य राजाओं की तरह मुगलिया सल्तनत की दास्ता स्वीकार लेते तो शायद ये राणा प्रताप इतिहास में नहीं रहते। इसलिए जिन्होंने धरती की लड़ाई लड़ी वही हमारे लिए सब कुछ है। और मैं इस मंच से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जरूर याद करूंगा। यहां सैन्य अधिकारी बैठे हैं, सेना के अंदर शहादत होती थी एक टेलीग्राम, और टेलीग्राम के बाद उस सैनिक के टोपी, उस सैनिक की पेटी, उसके कपड़े सेना का अधिकारी देकर जाया करता था। मां कहती थी मैं मेरे वीर बेटे के चेहरे को देखने से वंचित रही। बहन कहती थी मैं उस हाथ को देखना चाहती हूं जिस पर मैंने बरसों तक राखी बांधी पर देख नहीं सकती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निर्णय लिया, सेना में शहीद हुआ उसका शव सरकारी राजकीय सरकार के सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि होगी, सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा, पैकेज दिया जाएगा। वो परंपरा चलती रही चलती रही। वीरंगना यहां बैठी है, हमने सम्मान किया, ये सारी वीरंगनाएं हमारा अभिमान है, हमारा मान है। पर मैं सतीश जी, आपको वो दिन याद होगा, राजस्थान की विधानसभा में शायद आप ही ने मुझे कहा था कि देख कर आओ बाहर वीरंगना आई है, मंजू जाट आई है, मधुबाला आई है, सुंदर देवी आई है, पुलवामा में इनके पति ने शहादत ली थी, आज विधानसभा का दरवाजा खटखटाने आई है, जरा देख कर आओ क्या बात है। हम बाहर गए, वीरंगनाओं को पूछा क्यों आई हो, कहने लगी सरकार के अंदर जब हमारे पति शहीद हुए थे, मंत्री गए थे, बड़ी बड़ी बातें कहकर आए थे, जिस प्रकार अभी विक्रम जी कह रहे थे अमर शहीद के नाम से स्कूल का नामांकन, उसी प्रकार की बातें कहकर आए, ये कहकर आए कि आश्रितों को नौकरी देंगे, स्कूल का नामांकन करेंगे, आपको पैकेज देंगे, पैकेज नहीं दिया। आज 13 महीने बाद हम विधानसभा में आए हैं, हमने कहा हम राज्यपाल के पास आपकी बात को ले जाएंगे। विधानसभा में अंदर आकर मैंने सतीश जी बात को उठाई थी, शिष्टमंडल से मिले नहीं हमारे मंत्री लोग, और जब राज्यपाल से मिलने वीरंगनाएं जाती है और जब टीवी में तस्वीर देखते हैं तो मन में कसक उठती है, वीरंगना को पीटा जाता है, घसीटा जाता है, ये अपमान। ये सरकार में मैं कोई इस पर की राजनीति नहीं करना चाहता, पर ये कैसा अपमान। आज भी विधानसभा का सवाल कहता है 34 ऐसी वीरंगनाएं हैं जो पैकेज से वंचित है, आश्रितों की नौकरी से वंचित है, जिनके माता पिता को जो धनराशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। मुझे अफसोस है, ऐसे मौके पर जब मैं इस सम्मान को देखता हूं तो मन में देखता हूं एक हुकूमत ये भी है। अभी सतीश जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही, आप सबको ध्यान होगा 2013 के अंदर आतंकवादियों ने हमारी सरहद पर सोए हुए सैनिकों पर धात लगाई थी, 2 सैनिकों के सर काट के ले गए, और उसके बाद शहीद की वीरंगना जंतर मंतर दिल्ली में जाकर धरने पर बैठ गई और कहा केंद्र सरकार से, पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान की सेना से बात करो, मेरे पति का सर ला कर दो, तब मैं अंत्येष्टि में शामिल हूं। 7 दिन तक लोकसभा ठप रही, कोई बोला नहीं, और अपने पुलवामा की वो घटना देखी थी, पुलवामा में हमारे सैनिकों पर धात लगाकर बम्बों से उड़ाया गया, और उसके बाद मुझे तो गर्व है उस बात का, पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी सर्जिकल स्ट्राइक करके और
चूरू की धरती पर बड़ी सभा में आए थे और उस वक्त उन्होंने दो बात कही कि ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं रुकने दूंगा। हमें गर्व है जब हम देखते हैं 9 सालों के शासन को, देश नहीं झुका, देश रुका भी नहीं। ब्रिटेन की जिस अर्थव्यवस्था पर अभी चिंता कर रहे थे प्रेम सिंह जी, उस अर्थव्यवस्था को हराकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। जो मुल्क कभी हमें कमजोर कहते थे, आज दुनिया के 20 शक्तिशाली देश G20 में कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, आप हमारी अगुवाई करो। और वासुदेव कुटुंबकम की बात के आधार पर पूरी दुनिया एक परिवार इस बात को करो। ये बदलाव हम देखते हैं। अभी गलवान की घटना हुई, चीन के सैनिक हमारी सीमा में आ गए, यह आदेश हुआ गोली नहीं चलनी है, वेपन का इस्तेमाल नहीं करना है। सैनिकों का जज्बा देखो, उन्होंने कहा गोली नहीं चलेगी, पर चीनियों को कहा हमारी सीमा में प्रवेश मत कर देना। चीन के कुछ सैनिकों ने प्रवेश किया, अखबारों में आपने पढ़ा, पीट पीट कर तेरा चीन के सैनिक मार डाले हमारे सैनिकों ने, ये हमारी सेना, दुनिया की सबसे ताकतवर हमारी सेना, 14 लाख सक्रिय सैनिक है और 10 लाख हमारे रिजर्व के सैनिक है। सतीश जी ने सही कहा, आज हमारे सैन्य उपकरण कहीं विदेश से मंगाने की आवश्यकता नहीं, हमारा हेलीकॉप्टर बनता है, हमारे लड़ाकू विमान बनता है, हमारी तोप बनती है, दुश्मन के सीने में दागने के लिए बनती है। जब मैं देखता हूं कि पिछले बार 5 लाख करोड़ से ज्यादा सिर्फ सेना का बजट रखा गया, और मुझे तकलीफ तब होती है जब सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगने के लिए एक दल के लोग आगे आते हैं, गलवान की घटना पर प्रमाण मांगते हैं, प्रमाण दो, सेना ने ये नहीं किया। दूसरे देशों में जाकर हमारे देश के लिए कई प्रकार की टिप्पणी करते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये जरूर कहूंगा कि जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं आने वाले 3 महीने के बाद इस राजस्थान में आचार संहिता लगेगी, नए चुनाव के लिए नए वातावरण में हम सब लोग चुनावी दंगल में गुजरेंगे, पर उन लोगों से जरूर कहना चाहूंगा जो सर्जिकल स्ट्राइक और गलवान की घटना पर प्रमाण मांगते हैं, भगवान के लिए किसान के कर्जे की बात इसका प्रमाण दे दो, किता कर दिया ये कल परसों ये लंपी में जिन पशुओं का पशुधन जो खोया, 5,13,000 पशुधन में 41,000 में का मुआवजा देने वाला वो प्रमाण दे दो। मैं भ्रष्टाचार में जो आपने इस राजस्थान को भट्टी में जलाया उसका प्रमाण दे दो। भाई ये किस्सा कुर्सी का अब चलेगा नहीं भाई, अब किस्सा जनता का चलेगा, बहादुर सैनिकों का चलेगा, सेना का सम्मान करने वालों का चलेगा। इसलिए मैं विक्रम जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और आज कहकर जा रहा हूं, सतीश जी की उपस्थिति में कहकर जा रहा हूं, समय का चक्र घूमेगा, हम फिर आएंगे, और उस दिन आएंगे जिस दिन विद्यालय के नाम के आगे शहीद अजय कुमाऊं का नाम लिखा होगा, उस दिन फिर आएंगे, हम फिर आएंगे, और उस दिन आएंगे जिस दिन शहीद की वीरांगनाओं को जो आज अपमान मिला है अपमान के साथ, उनको कहेंगे कि आपका अधिकार हम लौटाने आए हैं। हम वो लोग हैं, उस दल के लोग हैं जो देश के लिए जीना जानते हैं, देश के लिए मरना जानते हैं। इसलिए आज के इस मौके पर मैं इस हिंदुस्तान में जिनको आज हम कह सकते हैं राजस्थान के लोक देवता, इस शेखावाटी की धरा पर अजय कुमाऊं जी को उनकी मूर्ति का अनावरण पर कहना चाहूंगा, प्रेम सिंह जी ने कहा आज का देवतुल्य स्मारक है, इस देवतुल्य स्मारक में हम सबकी आस्था बनी रहे, इसी उम्मीद और आशा के साथ वीर और वीरंगना के परिवार जो बैठा है, हमारी छोटी बहन छोटी बच्ची को चेहरा पर जब देखता हूं, बेटा तुम्हारे पिताजी ने जो किया ये देश ऋणी रहेगा, ये देश आप जैसे वीरों को सलाम करेगा। आप सब लोग, विक्रम जी आपने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।